आज की हमारी रेसिपी है तड़के वाली फूलगोभी या फूलगोभी तड़का भी आप इसे कह सकते हैं। ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है और 15 मिनट से भी कम समय में बनके तैयार हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना, और अगर आज की मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्जी बनाने के लिए मैंने लिया है आधा किलो फूलगोभी। इसे मैंने मीडियम साइज के टुकड़ों में काट लिया है और अच्छी तरह से धो लिया है। एक मीडियम साइज का प्याज बारीक कटा हुआ, 10 कलियां लहसुन की बारीक कटी हुई, 2 हरी मिर्च बारीक कटे हुए, आधा इंच अदरक का टुकड़ा बारीक कटा हुआ, तीन छोटे चम्मच धनिया पाउडर चाहिए हमें, 2 छोटे चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच हल्दी, नमक स्वाद के अनुसार, 1.5 से 2 छोटे चम्मच हमें लाल मिर्च पाउडर चाहिए। इसकी क्वांटिटी आप कम या ज्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। 2 बड़े चम्मच कटे हुए हरे धनिया के पत्ते, 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर और हींग, आधा छोटा चम्मच जीरा, 4 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल, 1/4 चम्मच। सबसे पहले हम फूलगोभी को कुक करेंगे। गोभी को पकाने के लिए हम एक बर्तन में पानी ले लेंगे और पानी को गर्म करने के लिए गैस स्टोव के ऊपर रख लेंगे। पानी हमें उतना लेना है कि सारे गोभी इसमें अच्छी तरह से डूब जाएं। जैसे ही पानी गर्म हो जाए फिर इसमें हम फूलगोभी डाल देंगे। फिर इसमें हल्दी डाल दें, पर नमक डालना है हमें। नमक थोड़ा ज्यादा डालें ताकि बाद में जब हम पानी फेंकेंगे तब भी गोभी में नमक रहे। इसे इस तरह से एक बार मिक्स कर लें। 3 मिनट में ऐसे उबाल आना शुरू हो जाएगा। जब ऐसे उबलने लगे तो गैस की फ्लेम को मीडियम पे करें, इसे ढक्कन लगा के 2 मिनट के लिए और कुक करें। 2 मिनट के बाद ढक्कन खोल के देख लें और एक बार इसे चेक कर लें कि अच्छी तरह से कुक हुआ है कि नहीं। इसके लिए आप एक फोक से भी ऐसे इसे ले लें एक प्लेट में, फिर ऐसे एक फोक से इसे दबा के चेक कर लें। हमें इसे ओवर कुक नहीं करना है, हल्का सा अंडर कुक करना है। फिर ऐसे एक छन्नी ले लें, गैस स्टोव को बंद कर लें और जो फूलगोभी है इसे छान लें। पानी निकालने के लिए इसे ऐसे ही एक प्लेट के ऊपर रख दें। फिर हमें तड़के की तैयारी करनी है, उसके लिए एक फ्राइंग पैन या तड़का पैन ले लें और गैस स्टोव ऑन करें। पैन को गर्म कर दें, फिर इसमें ऑयल डालें, तेल के गर्म होने के बाद इसमें जीरा डाल दें, फिर हींग डालें, ऐसे ऐसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें, फिर प्याज डाल दें, चम्मच से ऐसे मिक्स करते हुए इसे थोड़ी देर के लिए भूनें। जैसे ही प्याज का कलर हल्का चेंज हो जाए फिर इसमें कटे हुए लहसुन डाल दें, अदरक डालें, सभी चीजों को इसे चलाते हुए थोड़ी देर के लिए भूनें, कटी हुई हरी मिर्च डाल दें, प्याज का कलर अभी हल्का गोल्डन ब्राउन हो चुका है तो इसमें सूखे मसाले डालें। सबसे पहले जीरा पाउडर डाल दिया मैंने यहाँ पे, फिर धनिया पाउडर डाल दें, फ्लेम को लो पे रखें स्टेज पे, लाल मिर्च पाउडर डालें 1.5 चम्मच मैंने यहाँ पे डाला है, फिर आमचूर पाउडर 1 चम्मच जो हमने लिया था वो भी डाल दिया इसमें। अभी फ्लेम को लो ही रखें आप स्टेज पे, फिर कटे हुए हरे धनिया के पत्ते भी अभी मिला दें। इसे बस इसे 1 मिनट के लिए हमें भूनना है। बस अभी तड़का तैयार है और गैस स्टोव को ऑफ कर लें।
एक सर्विंग प्लेट ले लें और हमने जो फूल गोभी को उबाल के रखा था उसे इस प्लेट में अरेंज कर लें। इक्वली चारों तरफ ऐसे फूल गोभी को अरेंज करने के बाद हमने जो तड़का प्रिपेयर किया था इसे अभी फूल गोभी के ऊपर डाल देंगे। चारों तरफ इक्वली स्प्रेड करते हुए इसे डाल दें इसे। फिर इसे चम्मच से ऐसे हल्का सा स्प्रेड कर लें। तड़का अभी गर्म है और जैसे ही हम फूलगोभी के ऊपर इसे डालेंगे फूलगोभी अपने आप सारे तड़के को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और बहुत ही बढ़िया सब्जी बनके तैयार हो जाएगा। हमारी फूलगोभी तड़का बनके तैयार है। इसे आप रोटी पराठा या फिर राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। इस आसान सी रेसिपी को आप अपने घर पे जरूर ट्राई करें।